का जो लिखा हुआ है, टैब का पढ़ा था हमने, टैब का पढ़ा था हमने कि टैब लिखेंगे तो यहाँ पे यूज के बाद जहाँ पे टैब कैरेक्टर इंसर्ट करेंगे हम बैक स्लैश टी, तो वहां पे फोर स्पेसेस आ जाएंगे हमारे पास। इसके बाद ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हमने पढ़ा था जिसे हम एफ स्ट्रिंग भी कहते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें ये होता है कि हम किसी भी, मैडम अगर थोड़ा सा नीचे कर दे, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी, कोई हमने जैसे मिसाल के तौर पर ये स्ट्रिंग बनाया एक्स इज इक्वल टू आई डोंट नो, इसको हम कॉल करेंगे, फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट लिखा एक्स डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे वो स्पेसिफाइड जो है वैल्यू जो हम इस स्ट्रिंग के अंदर जो प्लेस होल्डर बनाया होगा वहां पे इंसर्ट हो जाएगी। ये वाली जो प्रोग्रामिंग लिखा है जैसे हमने एक्स डॉट फॉर्मेट, तो ये स्ट्रिंग के अंदर जो हमने प्लेस होल्डर बनाया है और फॉर्मेट के बाद जो ये पैरेंथेसिस में हमने लिखा है प्रोग्रामिंग डबल कोट्स के अंदर, ये उस प्लेस होल्डर में इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह इसके अलावा भी हमने जो है एक ए इज इक्वल टू ये अली, ये स्ट्रिंग बनाया हमने, तो एफ फॉर्मेट के थ्रू भी हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, पहले एफ लिखेंगे फिर डबल कोट्स या सिंगल कोट कुछ भी यूज करें, माई नेम इज, यहाँ पे प्लेस होल्डर बनाया और वो वेरिएबल का नाम लिख दिया, जैसे ए लिखा तो यहाँ पे हम जब आउटपुट आएगा तो हमारे पास ए की जगह ए में जो हमने स्ट्रिंग किया हुआ है या किया हुआ वो यहाँ पे आ जाएगा, मीन माई नेम इज अली यहाँ पे आ जाएगा। ओके जाहिद, मैं मैडम यहाँ पे ना, ओके मैं यहाँ एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। जी, मुझे लगता है लास्ट क्लास में शायद पूछा गया कि फॉर्मेट और एफ स्ट्रिंग हम क्यों यूज करते हैं, ऐसा है मैं बता दूं जी, आप बता सकते हैं? ऑफकोर्स मैडम, फॉर्मेट स्ट्रिंग हम इसलिए यूज करते हैं, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था कि हम स्ट्रिंग के साथ किसी भी नंबर को इंसर्ट नहीं, ऐड नहीं कर सकते या कंबाइन नहीं कर सकते। हम पहले करते थे ना ऐसे, तो वो एरर आ जाता था, जैसे मीन्स के ऐसे ही कोई स्ट्रिंग बनाई हमने और इसके अंदर हम नंबर कोई ऐड करना चाहें, जैसे इसके मैं एक वेरिएबल बनाऊ अगर एक्स इज इक्वल टू नेम का और वाई इज इक्वल टू मैं लिख दू एज का, तो इस फॉर्मेट के थ्रू हम वो एज भी जो है वो स्ट्रिंग में कंबाइन कर सकते हैं, दोनों को इंसर्ट कर सकते हैं इस प्लेस होल्डर की जगह। सही है, यानी ऐसे ही बेसिकली ऐसे है जी। बेसिकली ऐसा है कि स्ट्रिंग में हम क्या करते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं और लिखते जाते हैं, ठीक है? तो अगर हमारी कोई वैल्यू वेरिएबल में स्टोर है तो उसे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि कॉमा लगा के उसे भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि काफी लंबा सिंटेक्स हो जाएगा। तो हम बेसिकली इसके लिए फॉर्मेटेड कह लें मेथड यूज कर लेते हैं, और इसके अलावा हमारे पास एफ स्ट्रिंग होती है। और अब मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूंगी कि दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। अगर आप देखें, इसी को मैं एग्जाम्पल देती हूँ, फिर आप मुझे खुद ही बताइएगा कि क्या फर्क आता है। आपने कल देखा कि हमारे पास इसका सिंटेक्स क्या है। एक तो सिंटेक्स ये हो गया ना कि हम क्या करते हैं कि वही जहां हमने स्ट्रिंग लिखी है उसी के साथ डॉट फॉर्मेट लिखें और अपना वो स्ट्रिंग या वो वैल्यू पास कर दें जो हमने ऐड करनी है। दूसरा हमारे पास ये होता है कि हम अपने वेरिएबल में सिर्फ उसकी जगह यानी प्लेस होल्डर लगा दें, एंड देन जहां भी हम उस वेरिएबल को यूज करने लगे उसके साथ डॉट फॉर्मेट में उसका पैरामीटर पास कर दें यानी वैल्यू पास कर दें। अब अगर आप देखें, मैंने यहाँ प्रोग्रामिंग किया और यहाँ मैंने स्विमिंग किया, तो आपको क्या लगता है क्या आउटपुट आएगी, कितनी लाइन होंगी आउटपुट में और उनमें क्या होगा? मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? यस मैम, एक्स डॉट ये आज आई डोंट नो स्विमिंग। ओके, मतलब आप कह रहे हैं दो लाइंस आएंगी, ऐसे ही है आउटपुट में? नहीं, एक लाइन आई थिंक। एक लाइन आएगी, ठीक है। जी एक लाइन आएगी तो उसमें जी क्या वर्किंग होगी, कैसे ये वर्क करेगा? आई डोंट नो आगे क्या लिखा आएगा। मैम, दो लाइनें आएंगी, प्रिंट बिकॉज दो प्रिंट तो लाइनें, हमने प्रिंट टू दो टाइम लिखा है दफा ना। प्रिंट करवा रहे हैं, दो लाइनें आएंगी लेकिन एक्स की वैल्यू हमने एक बार दोनों का प्रिंट प्रोग्रामिंग होगा, करेगा और प्रोग्रामिंग का सेकंड प्रिंट टाइम स्विमिंग। ओके तो बेसिकली हुआ क्या, अब हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख ली। लेट्स सपोज इस स्ट्रिंग को मैंने ना 100 टाइम्स यूज करना है अपने प्रोग्राम में, ठीक है? और जिस पॉइंट पे मैंने यूज करना है ना, उस पॉइंट पे मैंने इसकी जो वैल्यू कह लें इस प्लेस होल्डर की वैल्यू, वो डिफरेंट देनी है। तो और अगर कोई केस हो ना तो मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन फॉर्मेटेड कह लें मेथड जो है
ये हमें इस चीज की परमिशन दे देता है कि क्या करें आप, जहां आपने वेरिएबल को यूज करना है आराम से वहां डॉट लगाएं और फॉर्मेट के बाद अपना वो रिलेटेड वैल्यू दे दें, ओके रिलेटेड वैल्यू दे दें और मैं वहां से फॉर्मेट करके यानी पुट करके आपको रिजल्ट दे दूंगा। बेसिकली ये एम्बेड कर रहा है इस वैल्यू को ना, इसमें डाल रहा है, पुट कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन लिख दू ना, आप एक्स में आप क्या करो, डॉट करो फॉर्मेट और मैं अभी कर देती हूँ नंबर को कर देती हूँ 1। तो अब ये इसे भी कर देगा हमारे पास एम्बेड। तो अब मैं फॉर्मेट को यूज करके कितनी सारी लाइंस प्रिंट करवा सकती हूँ इजीली और इस प्लेस होल्डर में कोई भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन जो ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है बेसिकली क्या है कि ये फॉर्मेट मेथड की ही मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिंपली वही ऐप लिखें एंड देन ब्रैकेट्स के अंदर अपने वेरिएबल का नाम लिखें और उसे प्रिंट करवा लें, तो ये उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आएगा कि अब हमने इस वेरिएबल में ए वेरिएबल में अली स्टोर करवाया तो ये हमेशा अली ही देगा, ठीक है। मतलब ये ज्यादा बेस्ट है क्योंकि इसकी रीडेबिलिटी ज्यादा है, इसका फॉर्मेट इजी है, हम जल्दी लिख सकते हैं इसे एज कम्पेयर टू दिस वन। लेकिन इन केस हम ये चाह रहे हैं कि ज्यादा लाइंस हमने प्रिंट करवानी है, बस उसकी वैल्यू चेंज करनी है प्लेस होल्डर की, तो उस केस में हम फॉर्मेट का मेथड यूज करते हैं। आई होप के सबको क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों चीजें क्यों यूज की जाती है और कैसे यूज की जाती है। समझ आ गई है नेक्स्ट मूव पर? यस मैम समझ आ गई। प्लीज वैसे ये एक रिक्वेस्ट है, असल में आपसे पूछते पूछते ना कम से कम 1-2 मिनट लग जाता है, आप लोग फुली रिस्पॉन्स कर दिए, अगर प्रॉब्लम होती है तो बता दिया करिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास था रिमूव व्हाइट स्पीसीज और आई होप सो कि फॉर्मेट मेथड का और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का, ठीक है। बेसिकली अगर आप खुद ही देखें तो ये इतनी सी चीज है कि शुरू में एफ लगाया एंड देन मैंने इसे इजीली लिख दिया, तो इसका सिंटैक्स बहुत इजी है और ये हमारा ये जो फॉर्मेट मेथड है ना इसी की मॉडिफाइड फॉर्म है जो पाइथन का न्यू वर्जन है उसमें हम ये यूज कर रहे हैं, ठीक है फॉर्मेटिंग। अब क्या है कि इन केस ये बेटर तो है, लेकिन इन केस अगर हम चाह रहे हैं कि एक ही लाइन को मोर देन वंस हम प्रिंट करवाएं और डिफरेंट पैरामीटर्स यानी डिफरेंट वैल्यू के साथ प्रिंट करवाएं, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें फॉर्मेट का मेथड यूज करना पड़ता। बेशक उसका सिंटैक्स थोड़ा लेंथी कह लें, थोड़ा टफ कह लें, लेकिन हमें इजीली अगर हम उसे यूज करेंगे तो हमारी जो प्रिंटिंग है या डिफरेंट बार-बार प्रिंट करवाना है। अब अगर आप देखें ना तो मैं ऐसे भी कर सकती थी कि एक्स लिखती और लिखती आई डोंट नो प्रोग्रामिंग आई डोंट हैव वेरी प्रिंट और उसके बाद मैंने जहां जहां कॉल किया है कहले उस वेरिएबल को जहां जहां प्रिंट करवाना चाहा उसमें मैंने पैरामीटर पास किया और मेरे पास वो वैल्यू प्रिंट हो गई। अब क्लियर हो गया आपको? जी मिस क्लियर हो गया। ओके अहमद आपकी फर्स्ट क्लास है, आप पूछ सकते हैं आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके मेरी आवाज का सबके साथ ही शायद मसला आ रहा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। हिजाब आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अभी क्लियर है मैम, लेकिन कभी-कभी मैम समटाइम्स डिस्टॉर्शन हो जाती है आपके। ओके शायद नेट स्टेबल नहीं है इतना। ओके हमने फिर रिमूव व्हाइट स्पेसेस देखा। बेसिकली हम ये नहीं कह सकते कि रिमूव व्हाइट स्पेसेस, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक मेथड है स्ट्रिप का और उसमें हम क्या कर सकते हैं कि अपना रिक्वायर्ड कोई भी कैरेक्टर जो स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा हो या लास्ट पे रिपीट हो रहा हो या सिंगल टाइम पे आ रहा हो, इट डजंट मैटर, हम उसे वहां से रिमूव कर सकते हैं। और किस तरह रिमूव कर सकते हैं, हम स्ट्रिप मेथड से उसे रिमूव कर सकते हैं।
तो बेसिकली अगर आप देखें यहाँ पे हेलो में यहाँ भी थोड़ी लास्ट में है, हम अगर आंसर आता है अगर हम कोई पैरामीटर नहीं देंगे तो वो क्या करेगा, वो सिंपली हमारे पास वाइट स्पेसिस को रिमूव कर देगा, ठीक है। और इन केस हम उसे कोई पैरामीटर पास नहीं लगाए, फिर हमने पैरामीटर पास किया है कि आप स्ट्रिप करें लेकिन इस कैरेक्टर को स्ट्रिप करें, ओके। यहाँ मैंने जब एक्स को प्रिंट करवाया तो वो ये डॉट्स दे रहा था, लेकिन जैसे मैंने उसे स्ट्रिप किया, स्ट्रिप का मतलब मैंने रिमूव कर दिया इस कैरेक्टर को, तो उसने मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है। इन केस और ऑब्जेक्टर पे ओके हिजाब आप कह रही है उन कर सकती है, हिजाब आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है आपकी आवाज, ठीक है। तो मैम निम्रा कल एक छोटा सा प्रोग्राम दिया था मैंने, वो कोई बताना चाहे किसी, हिजाब प्लीज आप कैरी ऑन करें। यस मैम कर ली। किस किस ने प्रैक्टिस की थी हैंड रेस करते हैं? जिस जिसने उस प्रोग्राम की प्रैक्टिस की थी, ठीक, चार लोगों ने की है, वेरी गुड। आप लोगों को समझ आ गई थी स्टेटमेंट, जिनको समझ yes, मैम वो बताए मुझे। मरियम का मैं क्वेश्चन ले लूं, मरियम कह रही है कि आई कांट अंडरस्टैंड, कैन यू प्लीज गाइड फ्रॉम स्टार्ट। मरियम आपको कहां से समझ नहीं आई, और स्टार्ट से मतलब स्ट्रिंग का स्टार्ट करूं या फिर ये आपकी फर्स्ट क्लास है? मरियम आप माइक अनम्यूट करके बता सकती हैं कि आपको क्या समझ नहीं आई थी या आप कहाँ पे जा रही हैं पूछना? आपकी आवाज नहीं आ रही, ओके। आपकी फर्स्ट क्लास है, वलीद की भी फर्स्ट क्लास है, वो ठीक है। जिनकी फर्स्ट क्लास है उनको पहले तो मैं कहूंगी कि आप लोग फ्लैग पे ज्वाइन कर लीजिए, अगर तो आपने ज्वाइन किया है तो वेल एंड गुड, वरना मरियम आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आप लोगों को जिनकी आज फर्स्ट क्लास है मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूंगी, और जहां जहां से आप लोग कंफ्यूजन हो कि आप लोग जरूर पूछें वहीं से थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। इसके अलावा अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं तो वो भी फेसबुक पे अवेलेबल है, आईकुड गुरु के पेज पे सब रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं पिछले तमाम लेक्चर्स की। ये हमारा वीक 3 है जो कि अभी चल रहा है, और हमने पाइथन बेसिक में हमने वेरिएबल्स देखे हैं, इनपुट फंक्शन, डाटा टाइप्स, टाइप कास्टिंग, और हमने स्ट्रिंग कवर की है। इसके अलावा आज हमारी लिस्ट की क्लास थी, मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ फिर आप लोगों को मेरी बातें भी बता। मेरी स्क्रीन शेयर है ना, सबके लिए विजिबल है? यस मैम। ऑलराइट, तो इससे पहले मैं वो फंक्शन करना, सॉरी प्रोग्राम डिस्कस करना चाह रही हूँ जो कल मैंने आप लोगों को कहा था करने को। शुमाइला का शायद क्वेश्चन था फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के हवाले से, शुमाइला ने और ट्राई भी किया शायद, आप में से कोई मुझे प्रोग्राम लिखवाना चाहेगा वो? जी मैम ट्राई। सही, हम लोग वीएस कोड से उसको ट्राई करते हैं। ठीक, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी हमारी? हिजाब प्लीज ये करने के बाद ना वो जो ऊपर चीजें रह गई हैं प्लीज वो रिपीट कर दीजिएगा, स्ट्रिंग के रिलेटेड एक दो चीजें तो डन कर दें वो। ठीक है, कर लेंगे।
अच्छा, ये प्रोग्राम था एक्चुअली, मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी आपको एक्टिविटी हो जाएगी और थोड़ा आप एक्टिव हो जाएंगे. मैंने एक्चुअली चाहे थे कि एक फंक्शन हो जिसमें हम लोग यूजर से इनपुट लें कि दो गुड्स हैं, कोई भी आइटम्स हैं, और उसके बाद उन आइटम्स की प्राइसेस, और सेपरेट फॉर वेरिएबल्स में कहा था, तो यानी कि फॉर हम लोगों को वेरिएबल्स लेने से चारों दफ़ा इनपुट करवानी थी. अब उसके बाद हमने कहा था कि उन आइटम्स को प्रिंट करना है उनके प्राइसेस के साथ, और उनके प्राइसेस को ऐड कर देना है यानी सम अप करना है, और ये हमने काम करना है सिंगल स्ट्रिंग में. इसके लिए हमने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज की थी. मैं ना भी लिखती तो ठीक था. जो आप लोगों में से आप में से किसी एक ने प्रोग्राम सेंड किया था वो मैंने देखा था, वो भी बहुत अच्छा था. उसने बस सम नहीं किया हुआ था, शायद उनको समझ नहीं आई थी स्टेटमेंट में. बाकी जिसने किया तो वो भी ठीक है. अलबत्ता ये हमने इस तरह से किया था. इनपुट फंक्शन का मैं आपको बता दूं, जिनकी फर्स्ट क्लास है, इनपुट फंक्शन ये होता है कि हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं. यूजर कौन होता है? जो कि आपके प्रोग्राम को यूज कर रहा होता है, वो डेवलपर भी हो सकता है, वो कोई कस्टमर हो सकता है, कोई कॉमन पर्सन हो सकता है. तो हमने एक वेरिएबल ले लिया था जिसमें मैंने इनपुट करवाया था, इनपुट लिया, और इनपुट के अंदर हमारी स्टेटमेंट शो हुई थी कि एंटर द फर्स्ट गुड. वो जो भी एंटर करेगा वो ए में स्टोर हो जाएगा. उसके बाद बी में मैंने सेकंड गुड लिया था, सी और डी में मैंने प्राइसेस ले ली थी, और इनको मैंने इंट रखा था डाटा टाइप, और इन डाटा टाइप इसीलिए रखी थी ताकि बाद में मैं इनको ऐड कर सकूं यहाँ पे. एफ स्ट्रिंग एक और वेरिएबल मैंने लिया जिसमें मैंने एफ स्ट्रिंग लिखी इस वाले मेथड से, जिसमें हम एफ लिखते हैं और उसके बाद स्ट्रिंग लिख देते हैं. जो कर्ली ब्रेसेस हैं ये हम इसको हम कहते हैं प्लेस होल्डर्स, इसको फिर कहते हैं शायद, या प्लेस स्पेसिफायर्स. यहाँ पे हम लोग जो चीज स्ट्रिंग में ऐड करना चाह रहे हैं, जो कि उस स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, वो हम ऐड कर सकते हैं. पूरी स्ट्रिंग हमने लिख दी कि किस तरह से वो ऐड होगी. प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम इज दिस एंड द प्राइस ऑफ सेकंड आइटम इज दिस. उसके बाद के प्राइसेस कंबाइंड उनको कंबाइन कर दिया. इन प्लेस होल्डर्स में आपने वेरिएबल का मैंने नाम लिख दिया कि यहाँ पे फर्स्ट प्लेस होल्डर में आए हमारे पास ए में फर्स्ट जो गुड है उसका नेम आ जाएगा. फिर उसकी प्राइस में सेकंड प्लेस होल्डर में सी आई, उसकी क्या है वो उसी फर्स्ट गुड की प्राइस है. और उसके बाद मैंने इधर उन दोनों को ऐड भी कर दिया है. यहाँ पे मैंने एक एस्केप करैक्टर भी यूज किया, ये भी आप लोगों ने कल ही पढ़ा था. बैकस्लैश एन का मतलब होता है कि अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट लाइन पे चली जाएगी. और एंड पे मैंने इस पूरी वेरिएबल को, इस पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करवा दिया. तो हम रन करके चेक करते हैं. फर्स्ट गुड हमने एंटर किया फॉर एग्जाम्पल टेबल, सेकंड गुड चेयर, फर्स्ट की प्राइस एंड सेकंड की 99. तो ये हमारे पास आउटपुट आ चुका है. फर्स्ट की प्राइस उसने बता दी, प्राइस ऑफ टेबल इज दिस एंड चेयर की प्राइस ये है. और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आके उसने बताया कि प्राइसेस कंबाइन करने से हमें ये मिलता है. और मैं जिनका प्रोग्राम देखी थी, जिन्होंने फ्लैग पे शेयर किया था, उन्होंने यहाँ पे इंडेक्स नंबर ऐड किया हुआ था. तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी हम कर सकते हैं यहाँ पे. तो मैंने ये सिंपली वेरिएबल का नाम लिख दिया. आप लोग इंडेक्स भी लिख सकते हैं. जैसे चार वेरिएबल्स हैं, इनको ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो ए का इंडेक्स, जैसे कि आपने पढ़ते यानी कि इंडेक्स स्टार्ट होता है 0, 0, 1, 2, 3, इस तरह से कर सकते थे हम लोग. और उन्होंने वो किया हुआ भी था जिन्होंने प्रोग्राम शेयर किया था. किसी का कोई क्वेश्चन? अगर आप देखें, ये जो मैंने एफ स्ट्रिंग यूज की उसमें मैंने ये इजीली प्रोग्राम लिख दिया. अगर ये वाली स्टेटमेंट, ये जो जिसको मैं हाईलाइट कर लूँ, ये स्टेटमेंट हम आउटपुट में चाहते थे जिसमें से 75 टेबल चेयर 99 ये सब कुछ देना था यूजर ने, और उसके बाद फिर हम उसको कंबाइन करके प्राइस भी उसकी दे रहे थे. तो ये अगर हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के बगैर करना चाहें, नॉर्मली स्ट्रिंग मेथड को लेके उसके अंदर वेरिएबल्स को बार बार इंट्रोड्यूस करा के, तो वो बहुत लंबा और मुश्किल प्रोसेस था. शुमाइला का क्वेश्चन था कि हम लोग फॉर्मेटेड स्ट्रिंग क्यों यूज कर सकते हैं जबकि हम स्ट्रिंग को वैसे भी तो लिख सकते हैं, अंदर चीजें ऐड कर सकते हैं. तो आई थिंक अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा. जी मैम, जब मैंने खुद भी किया था ना तो मुझे तब भी बहुत ज्यादा क्लियर हो गया था. हाँ जी, मैंने इसीलिए कहा था आप लोगों को करने को. इसके अलावा यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स के रिलेटेड या इस प्रोग्राम से रिलेटेड? नो मैम. ठीक है, तो अब हम लोग जाते हैं अपने दूसरी तरफ. यहाँ पे मैम आपको करवा रही थी स्ट्रिंग, और मैम ने मेरा का डिस्कनेक्ट हो गया. स्ट्रिंग में क्या चीज आपकी रहती है जो मैम अभी करवा रही थी?
जी आप एक दफा प्लीज क्लियर कीजिएगा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी अब आ रही है आपकी। ओके ठीक है, आप प्लीज स्क्रीन शेयर कर दें, मैं यहीं से बता देती हूँ। ठीक है निम्रा कहाँ से बताएंगे? ओके थोड़ा सा जाओ ऊपर प्लीज, रिमूव व्हाइट स्पेसेस वाला। हाँ जी जी निम्रा। ओके तो हम देख रहे थे कि हम वाइट स्पेसेस को भी रिमूव कर सकते हैं, और इन केस अगर हम कोई स्पेसिफिक करैक्टर लिख लें, ओके एक सेकंड, स्पेसिफिक करैक्टर लिख लें अपने इस स्ट्रिप के मेथड में, तो हम उसे भी रिमूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि वो करैक्टर जो है यहाँ स्टार्ट पे होना चाहिए या एंड पे होना चाहिए, दरमियान से वो कह सकते हैं स्ट्रिप या रिमूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी डॉट्स वगैरह की, और इसी तरह ये एल स्ट्रिप होता है और आर स्ट्रिप होता है। बेसिकली ये इसलिए यूज होता है कि अगर हमने एल स्ट्रिप यूज किया है तो वो राइट साइड यानी कि स्टार्टिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन्हें रिमूव कर देगा, और इन केस अगर हम चाह रहे हैं कि जो लास्ट पे हमारे पास आ रहे हैं, जैसे कि ये डॉट्स जो है ये लास्ट पे आ रहे थे, तो ये आर स्ट्रिप उसे यूज कर सकते हैं ताकि ये लास्ट वाले कैरेक्टर्स को रिमूव कर सके। मैडम एक क्वेश्चन है जी, आप पूछें जितना क्वेश्चन है। मैडम ये जो आपने हैश आगे लिखा इसके प्रिंट टेक्स्ट और एल स्ट्रिप पे है आगे लिखा हैश वन फॉर लेफ्ट, ये मैं खुद ट्राई जब करता हूं तो ये सारा वो कमेंट तो हो जाता है सिंगल लाइन कमेंट, तो ये कैसे कर रही है? काइंडली लिखता है ये कमेंट ही है कमेंट, अगर आप यहां पे लिखेंगे ना तो सारी लाइन कमेंट हो जाएगी, अगर आप नहीं आगे भी लिखे तो लाइन हो जाती है। वैसे अच्छा अभी निम्रा एक और बात आपको बता रही थी कि ये इसमें करैक्टर जो होता है वो रिमूव कर देता है जो फर्स्ट पे होता है। क्या निम्रा है मीटिंग में? मैम ये करैक्टर तो ये तो व्हाइट स्पेसेस का नहीं था? मैडम ये करैक्टर करैक्टर अगर लेफ्ट में हो या राइट में हो तो सारे रिमूव हो जाते हैं। करैक्टर अगर लेफ्ट में है या राइट में है, जैसे स्पेस भी तो एक करैक्टर ही है बेसिकली, वो लेफ्ट पे कोई भी करैक्टर शो करते हैं या राइट पे कोई करैक्टर हो तो रिमूव हो सकता है, वो इधर स्ट्रिप के दरमियान में पैरामीटर में देना। करैक्टर जब उन्होंने कहा निम्रा ने तो उन्होंने साथ एक और वर्ड यूज किया था, क्या वर्ड यूज था शायद स्पेसिफिक करैक्टर, यानी कि अल्फाबेट्स के अलावा, अल्फाबेट्स के अलावा अगर कोई करेक्टर स्टार्ट में और एंड में हो स्ट्रिंग में तो उसको रिमूव करेगा इंक्लूडिंग वाइट स्पेसेस यानी के ब्लैंक स्पेसेस। जैसे यहाँ पे मैं अगर क्वेश्चन मार्क लिख रही हूँ तो वो इस क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर देगा। yes, और अगर मैं कोई अल्फाबेट हाँ जी अगर हम वेरी फर्स्ट पे हम हेलो लिख दें तो फिर वो एच रिमूव नहीं करेगा? नहीं रिमूव करते हैं क्यों, तो मैंने कहा था कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि स्ट्रिंग्स में से अनवांटेड कैरेक्टर्स होते हैं स्टार्ट में या एंड पे, तो उनको हम लोग रिमूव करने के लिए ऐसा करते हैं।
और एडवर्ब फ्रेज हमारे अनवांटेड कैरेक्टर्स नहीं है। मैम स्ट्रिप मेथड की डेफिनेशन में ऊपर लिखा हुआ है कि ये वाइट स्पेसेस को ही रिमूव करेगा। हाँ जी। तो मैम इसमें फिर स्पेशल करैक्टर को कैसे रिमूव कर रहा है? ये जस्ट वाइट स्पेसेस मैम देखिए यहां पे तो एस ने रिमूव कर दिया है। मेरे ख्याल से वेरी फर्स्ट करैक्टर को रिमूव करता है। मैम ये उस चीज जो भी वेरी फर्स्ट होगा उसको रिमूव कर देगा आई गेस। मैम ये तो अब हम कह रहे हैं ना कि वेरी फर्स्ट कैरेक्टर को रिमूव कर रहा है, लेकिन आप स्ट्रिप की डेफिनेशन भी तो देखें ना, उसमें इसने कहा है रिमूव्स एनी वाइट स्पेस फ्रॉम द बिगिनिंग और द एंड। निमरा ने कहा था कि जो वेरी वाइट स्पेस का मतलब ये नहीं है सिर्फ वाइट स्पेस को ही रिमूव करेगा, कैरेक्टर्स को भी रिमूव करेगा वो। इसमें आप डेफिनेशन में और ऐड कर रहे हैं कि वाइट स्पेस के अलावा भी रिमूव कर देगा। कल को योर आउटपुट मिली थी और आज को योर आउटपुट मिली, इसलिए मैं यहाँ पे इनका ट्राई करती हूँ। फर्स्ट कैरेक्टर को रिमूव कर रहा है, ये और कंफ्यूजिंग हो चुका है। मैम मेरे ख्याल से इसका मतलब यही है कि जो वेरी फर्स्ट एक्टर आ रहा है उसको रिमूव कर देगा और उससे बाद वाले को नहीं करेगा, लेकिन अगर जब वो जो फर्स्ट रिमूव हो चुका है उससे बाद अगर हम दोबारा करेंगे तो फिर वो शायद उसको अगले वाले को भी कर दे। अगर हम इसमें स्पेसिफाई नहीं करेंगे कोई कैरेक्टर तो ये नहीं रिमूव करेगा, सिर्फ वाइट स्पेस को रिमूव करेगा, यानी क्योंकि जो स्ट्रिप के एक्चुअल काम है वो है वाइट स्पेसेस को रिमूव करना, जो कि फर्स्ट पे और एंड पे स्ट्रिप मेथड का ये फॉर्मेट है, स्ट्रिप के बाद पेरेंथेसिस, और इसको अब हमने प्रिंट कर देना है। यहाँ पे वाइट स्पेस के साथ है, वाइट वाइट स्पेस के अलावा है, लेकिन अगर हम इसमें कोई चीज स्पेसिफाई कर रहे हैं तो ये उसको भी रिमूव कर रहा है, अब नहीं कर रहा। मैम जी अब इसने फर्स्ट कैरेक्टर बिकॉज़ वो फर्स्ट पे फर्स्ट कैरेक्टर जो है स्पेस है। बिल्कुल सही। तो अब यहाँ पे हमें एक नई बात पता चल के प्रैक्टिस करते करते, क्योंकि ये हमें गूगल पे कहीं भी नहीं मिली थी जब या जब हमने पढ़ा था पाइथन तब भी नहीं मिली थी, इसीलिए कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए। स्ट्रिप मेथड जो है उसका जो उसका एक्चुअल सिंटेक्स होता है वो यही होता है कि स्ट्रिप है और उसके बाद पेरेंथेसिस है, बस खत्म। लेकिन अगर हमने इसमें कोई वैल्यू स्पेसिफाई कर दी है और वो वैल्यू फर्स्ट करेक्टर है तो वो उसको रिमूव कर रहा है। मैम ये फर्स्ट करेक्टर को रिमूव कर रहा है, लास्ट करेक्टर को भी कर सकता है जब हम लोग आर से ट्रिप में यूज करें इसे। अगर हम राइट से करेंगे तो फिर वो रेड कर लेगा। अच्छा फिलहाल यहाँ पे आर्मिन है ब्लैंक स्पेस और ये उसको एक तरह से रन कर रहा था ब्लैंक स्पेस को एंड पे रिमूव कर रहा था, वो अलग बात है कि हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर ब्लैंक स्पेस नहीं है और इसको फिर हम लोग करें तो ये क्योंकि वाइट स्पेस नहीं है तो उसको रिमूव नहीं करेगा। अगर हम इसमें स्पेसिफाई कर दें अब आप लोगों को समझ आ गई इसकी, अगर हम करेक्टर को स्पेसिफाई कर रहे हैं और वो लास्ट या फर्स्ट करेक्टर है इन स्ट्रिप मेथड तो उसको रिमूव कर देगा, अदरवाइज वो सिर्फ वाइट स्पेसेस पे काम करेगा। मैम एक दफा डी का भी कर देंगे, अगर डी लिखा हो तो वो रिमूव करेगा कि नहीं? नहीं डी नहीं करेगा। अब उसने कुछ भी नहीं किया, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं किया। ठीक है ये था वाइट स्पेस और इसमें हम लोग को एक नई फंक्शनैलिटी पता चल के स्ट्रिप मेथड की, वो ये है कि अगर हम लोगों ने इसको करेक्टर को स्पेसिफाई कर दिया है और वो फर्स्ट या लास्ट करेक्टर है तो वो उसको भी रिमूव कर देगा। रिप्लेस स्ट्रिंग का हम लोगों ने देखा था कल चीज कि हम स्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक करेक्टर को या नंबर ऑफ करेक्टर्स को,
किसी दूसरे करेक्टर से। जी इसका हमने सिंटेक्स पढ़ा था, इसको रिवाइज करवाने की जरूरत है या मैं बस ऐसे ही गो थ्रू करती जाऊं? नहीं मैम गो थ्रू करती हूं, ये इजी है। और स्प्लिट स्ट्रिंग में क्या था कि स्ट्रिंग को हमने तोड़ देना है, अगर हम उसमें कोई चीज ना दे तो वो स्पेसेस को के थ्रू तोड़ेगा, लेकिन अगर हम किसी करेक्टर को स्पेसिफाई कर दें तो उस करेक्टर में वो उस स्ट्रिंग को तोड़ देगा और उसको इसका जो आउटपुट होगा वो लिस्ट होगा, यानी आउटपुट में ये हमें लिस्ट ऑफ लिस्ट के एलिमेंट्स या लिस्ट के आइटम्स हमें देगा। इसकी हमने टाइप भी चेक की थी। अच्छा ये नई चीज एक ऐड की है निमरा ने, ये रिवर्स आवर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया, न्यू मेथड है। जहाँ पे दो मेथड्स यूज किए हुए हैं, किसी कोई सिंटेक्स में मसला तो नहीं हो रहा? एक तो डॉट जॉइन में हम लोग दो स्ट्रिंग्स को जॉइन कर देते हैं और जो दूसरी स्ट्रिंग है उसको हमने रिवर्स करके जॉइन किया, जहाँ पे रिवर्स हो गया। और स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज बता रही थी निमरा की स्ट्रिंग में हमने देखना है कि उसकी प्रॉपर्टीज शायद ऊपर स्किप हो गई थी कि स्ट्रिंग्स म्यूटेबल नहीं है। म्यूटेबल का मतलब ये है कि इसमें चेंजिंग बाद में नहीं हो सकती, एक दफा आपने एक स्ट्रिंग लिख दी उसमें जो करेक्टर्स आपने लिख दिए वही करेक्टर्स हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे ये करेक्टर ले आओ, ये हो सकता है कि आप उस करेक्टर को किसी और करेक्टर से रिप्लेस कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस इंडेक्स के थ्रू कोई और करेक्टर उसमें इंसर्ट कर लें। और ये हम लोग चीज देखेंगे लिस्ट में कि लिस्ट में ऐसा हो सकता है, जैसे यहाँ पे जब आप लिस्ट में देखेंगे कि हम लोग इस तरह से करते हैं कि स्ट्रिंग या लिस्ट का नाम लिख के उसके बाद उसका इंडेक्स हमने दिया, इंडेक्स को हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं और उसके बाद हमने दे दिया करेक्टर जो हम उसमें चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन ये फंक्शन स्ट्रिंग में नहीं होता। अगर स्ट्रिंग में हम ऐसा करना चाहें तो हमारे पास एरर आ जाएगा, टाइप एरर आ गया। तो कहेंगे कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल में डिफरेंस क्या है? जी म्यूटेबल और इम्यूटेबल में डिफरेंस क्या है? म्यूटेबल यानी चेंजेबल, जिसको हम चेंज कर सकें। इम्यूटेबल वो होता है जो चेंज नहीं हो सकता। और इसको अगर हम मैं आपको प्रोग्रामिंग में एक्सप्लेन करना चाहूंगी चेंजेबल और अनचेंजेबल से एक्चुअली मुराद क्या है, तो वो ये है कि हम लोगों ने एक स्ट्रिंग ले ली और उसके बाद हम कहें जैसे इसमें भी ये ऑर्डर्ड होती है स्ट्रिंग और हर करेक्टर का एक इंडेक्स होता है, हम कहेंगे इंडेक्स नंबर 5 पे करेक्टर है उसको चेंज कर दो इस करेक्टर से, तो वो ऐसा फंक्शन स्ट्रिंग में नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि पाइथन में स्ट्रिंग्स म्यूटेबल नहीं है जबकि लिस्ट म्यूटेबल होती है। स्ट्रिंग डेटा टाइप होती है हमारे पास जी, सेट से म्यूटेबल होते हैं। क्या म्यूटेबल होते हैं? सेट्स को भी हम पढ़ेंगे, लिस्ट के बाद सेट टपल डिक्शनरी सब हम पढ़ेंगे और वो तभी हम लोग देखेंगे साथ साथ। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है स्ट्रिंग से रिलेटेड या अभी तक जितना भी रिलेटेड, और जिनकी फर्स्ट क्लास है वो भी बताते जाएं कि उनको कुछ ना कुछ समझ ज्यादा तो नहीं आ रही होगी, थोड़ी बहुत समझ आ रही है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम लोग फिर आगे मूव करें लिस्ट पे। यस मैम। ओके हम लोग मूव करते हैं आगे। लिस्ट एक्चुअली क्या होती है? पाइथन में लिस्ट आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल्स। कल किसी ने कहा था कि लिस्ट में अगर एक आइटम है तो वो लिस्ट तो नहीं होती, फुल तब भी लिस्ट होती है, एक भी हो सकते हैं और मल्टीपल आइटम्स भी हो सकते हैं लेकिन सिंगल वेरिएबल। और इसको हम क्यों यूज करते हैं? जैसे हम लोग शुरू से पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक लिस्ट 1 मैंने लिखी जिसके अंदर एक स्ट्रिंग है कूल, फिर एक इंटीजर है 5, एक और स्ट्रिंग है टेबल, एक फ्लोटिंग नंबर है और एक बूलियन कैरेक्टर है। अगर हमने इन सब को स्टोर करना है और वेरिएबल्स के थ्रू स्टोर करना है तो हम लोगों को 5 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। हम लोग वो काम एफिशिएंटली कर सकते हैं यूजिंग अ लिस्ट। तो लिस्ट में हम लोग मल्टीपल आइटम स्टोर कर सकते हैं बट इन अ सिंगल वेरिएबल। इसकी प्रॉपर्टीज में क्या है? 3 प्रॉपर्टीज हैं इसकी जो कि आप लोगों को बिल्कुल पता होनी चाहिए। एक तो ये कि ये ऑर्डर्ड है, चेंजेबल है, और तीसरा ये कि डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करता है। अब इस चीज को, इस स्टेटमेंट को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ।
ऑडिट का क्या मतलब होता है? ऑडिट का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, किसी एक अरेंजमेंट में. और हम लोग क्यों कहते हैं कि लिस्ट ऑडिट है, क्योंकि हर एलिमेंट का एक इंडेक्स नंबर होता है और वो उस इंडेक्स नंबर के मुताबिक अरेंज हुआ होता है लिस्ट में, इसलिए हम कहते हैं कि वो ऑडिट है. जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट है कोल, इसका इंडेक्स नंबर है 0. इसके बाद सेकेंड एलिमेंट है 5, जिसका इंडेक्स नंबर है 1. उसके बाद टेबल है इंडेक्स नंबर 2 पे, 4.3 है इंडेक्स 3 पे और 2 है इंडेक्स 4 पे. तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर है या एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, क्योंकि ये एक अरेंजमेंट हुई है इसकी अकॉर्डिंग टू ऑर्डर्ड सॉरी इंडेक्सेस. उसके बाद ये कि चेंजेबल होते हैं. चेंजेबल का मतलब ये कि ये एक लिस्ट बनी हुई है और मैं कह रही हूँ कि इसकी इंडेक्स नंबर 2 पे टेबल है, तो मैं कहती हूँ नहीं, इंडेक्स नंबर 2 पे टेबल नहीं शेयर होनी चाहिए. तो मैं ये चेंजिंग लिस्ट को क्रिएट करने के बाद इसमें कर सकती हूँ, और वो कैसे करनी है ये भी हम लोग आगे पढ़ें. उसके बाद अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज. डुप्लीकेट वैल्यूज का मतलब ये है कि एक वैल्यू 2 दफा रिपीट हो जाए जहां पे. अब वो इस स्कूल को एक अलग एलिमेंट कंसीडर करेगा और इस स्कूल को अलग एलिमेंट. ये वो स्कूल है जो इंडेक्स नंबर 5 पे है और ये वो स्कूल है जो इंडेक्स नंबर 0 पे है. तो या ऐसा है यानी कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ कर सकता है. आप इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज लिख सकते हैं, उन सब की अलग अलग आइडेंटिटी होगी, अपना अलग इंडेक्स नंबर होगा, अलग पहचान होगी. तीसरी बार यहाँ पे मैम लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं वो रैम में जाके अलग-अलग मेमोरी लोकेशंस मतलब एलोकेट होंगे इनको. कि अगर हम सेम वैल्यू एक ही वेरिएबल को असाइन कर दें, तो इधर हमने कूल मतलब सेम ही यूज किया है स्ट्रिंग, तो इसकी मेमोरी लोकेशन एक ही बनेगी ना रैम में? नहीं, ये वेरिएबल नहीं है, ये इसमें डिफरेंस है. अच्छा, मैं ना आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि एक्चुअली चीजें क्या है, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी अभी. वेरिएबल जो हमने पढ़ा था, जब अगर आपने क्लास को ली हो या आपको आइडिया हो, तो हम वेरिएबल को कहते हैं कि ये टेम्प्रेरी मेमोरी लोकेशन है या उस मेमोरी लोकेशन का आइडेंटिफायर है कि ये, और ये टेम्प्रेरी होता है, ये कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में सेव होता है. अगर प्रोग्राम एंड हो जाएगा तो वेरिएबल जो की जो वैल्यू है वो मेमोरी से निकल जाएगी, दोबारा प्रोग्राम रन होगा तो दोबारा उसको मेमोरी एलोकेट होगी. एक चीज होती है प्रोग्रामिंग में जिसको हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स. डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? वो परमानेंट मेमोरी लोकेशंस होती हैं. वो आपके प्रोग्राम को जो भी चीज आपने उसमें सेव किया उसको परमानेंटली मेमोरी में सेव रखती हैं. अगर प्रोग्राम एंड हो गया तो भी वो चीज मेमोरी में मौजूद है. उसकी मेमोरी एलोकेशन डिफरेंट होती है वेरिएबल की मेमोरी एलोकेशन पे. डीएसए का एक कोर्स भी हो रहा है रात 10 बजे आई गेस, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम का. तो आपने वेरिएबल और लिस्ट को सेव नहीं कंसिडर करना, इनकी मेमोरी एलोकेशन भी इसीलिए डिफरेंट होगी. अच्छा, इधर लास्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है कि लिस्ट आइटम्स कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप. जरूरी नहीं कि सेम डेटा टाइप हो, इन सब की सेम डेटा टाइप भी हो सकती थी. मैं चाहती तो इन सबको स्ट्रिंग में स्टोर कर लेती, स्ट्रिंग एलिमेंट्स होते सब, लेकिन इसमें स्ट्रिंग भी है, इंटीजर भी है, फ्लोट भी है और बूलियन भी है. तो मल्टीपल डेटा टाइप्स हो सकते हैं. ये था सारा थोड़ा एक थ्योरेटिकल ओवरव्यू लिस्ट का. अब मैं आपको इसको थोड़ा प्रोग्राम्स के थ्रू और एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊंगी तो आपको ज्यादा समझ आएगी. लिस्ट वन के नाम से हमने एक लिस्ट क्रिएट की और इसका सिंटेक्स ये है कि आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसको लिखना है. स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज लिखी होगी वो लिस्ट होगी, और इसमें हमने डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंशिएट करना है या सेपरेट करना है कॉमास से. गिव मी अ वन मिनट जस्ट. अच्छा, तो हम लोग देख रहे थे कि हमने लिस्ट देखी और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे. प्रिंट करवाते हैं लिस्ट को
उसने प्रिंट करवा दी। अब लिस्ट की डाटा टाइप क्या है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इसमें बुलियन वैल्यूज भी है, स्ट्रिंग भी है, इंटीजर भी है, तो कोई बताएगा कि इसकी डाटा टाइप क्या होगी? लिस्ट ही आएगी मैम। लिस्ट ही आएगी, बिल्कुल। लिस्ट एक डाटा टाइप भी है, क्लास लिस्ट आ गई। क्लास में तो नहीं कोई कंफ्यूज आ रहा कि क्लास क्यों आई, क्योंकि पाइथन में हर चीज एक क्लास होती है और हर चीज उसी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, तो इट मीन्स ये क्लास लिस्ट है। अच्छा, एक चीज इसमें है लिस्ट लेंथ, कि लिस्ट की लेंथ क्या होती है। जैसे इंडेक्स नंबर्स होते हैं वैसे ही एक चीज होती है लेंथ। लेंथ बताती है कि इस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं। और हमने स्ट्रिंग की भी लेंथ देखी थी आप लोगों ने जब स्ट्रिंग पढ़ा था इसे। अब आप लोगों को इजी होती जाएंगी चीजें, जो चीजें आप लोगों ने स्ट्रिंग में पढ़ी थी वही थोड़ी सी मॉडिफाई होकर बाकी डेटा टाइप्स में भी चेंजिंग के साथ आती जाएंगी। लेंथ वेव फंक्शन हमने जब स्ट्रिंग में पढ़ा था तो वो भी बताता था कि इस में कितने कैरेक्टर्स हैं। अब ये भी बताएगा कि इस लिस्ट में कितने आइटम्स हैं। प्रिंट के अंदर हमने लिख दिया लेंथ का फंक्शन, और लेंथ के फंक्शन का सिंटेक्स ये होता है ln और उसके बाद ब्रैकेट्स। इन ब्रैकेट्स में हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हम किसकी लेंथ देखना चाहते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे लिस्ट वन, जो कि हमने ऊपर वाले ब्लॉक में लिस्ट क्रिएट की थी, उसकी हम लेंथ देखना चाहते हैं। उसकी लेंथ 6 है। अगर हम उसको भी वैसे चेक करें तो इसमें कितने एलिमेंट्स थे, एक, ये, दो, तीन, चार, पांच, छह, इसे हम लोगों को इसकी लेंथ पता चल रही है। इसके बाद एक्सेस लिस्ट आइटम्स। लिस्ट आइटम्स को हम लोग एक्सेस कैसे कर सकते हैं? तो जैसे मैंने कहा कि ये आर्डेड होता है, यानी कि हर आइटम का या हर एलिमेंट का एक इंडेक्स नंबर होता है। जब हमने और उसी इंडेक्स नंबर के मुताबिक उसको पाइथन आइडेंटिफाई करता है उस आइटम को। जब हमने उस किसी स्पेसिफाई आइटम को एक्सेस करना है तो भी हमने उसके इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करना है। देखते हैं हम, जैसे हमने यहाँ पे एक लिस्ट और ले ली, लिस्ट वन, शायद उसी को मैंने लिख दिया। और मैंने लिख दिया कि प्रिंट लिस्ट वन और स्क्वायर ब्रैकेट्स में वन। आपको याद हो कि हम लोग स्ट्रिंग का भी जब कैरेक्टर्स को एक्सेस करते थे थ्रू इंडेक्स नंबर तो ऐसे ही करते थे। बाकी सबको मैं कमेंट कर दूं। इसको मैंने रन किया तो इंडेक्स नंबर वन पे क्या है हमारे पास, नीचे कर स्क्रॉल डाउन करने से पहले आप लोगों से फाइव आ गया हमारे पास। अगर हम इसको जीरो लिखते हैं तो ये हमें फर्स्ट एलिमेंट दे देगा, कूल देगा, कूल दे। नेगेटिव इंडेक्स भी, इंडेक्सिंग भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, कोई जल्दी से बताए? नेगेटिव इंडेक्स में सबको बताएं कि इनका इंडेक्स क्या है। अगर कोई एनोटेट करके बताए, माइनस वन है, टू माइनस वन। नेगेटिव इंडेक्स में माइनस वन है तो ये ट्रू प्रिंट करवाएगा, ठीक। और टेबल का इंडेक्स क्या है नेगेटिव इंडेक्स में? माइनस थ्री। माइनस थ्री, माइनस थ्री। इसको हमने जब प्रिंट करवाया तो माइनस वन हमारे पास ट्रू आ गया, यानी कि हमने दोनों तरह से एक्सेस कर लिया लिस्ट आइटम्स को, पॉजिटिव इंडेक्स से भी और नेगेटिव इंडेक्स से भी। उसके बाद हम रेंज भी दे सकते हैं आइटम्स की। रेंज में हम लोग जैसे पढ़ते थे स्ट्रिंग में भी हम लोग रेंज लेते थे कि पहला हम स्पेसिफाई स्टार्टिंग पॉइंट, कॉलन और फिर एंडिंग पॉइंट, कि इस रेंज में हमारे पास एलिमेंट्स आ जाए। 2 to 4, 2 इसमें है टेबल, और फिर 3 है 4.3, और 4 पे है। अच्छा, रेंज काम कैसे करती है मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जब हम कहते हैं कि रेंज हो फ्रॉम 2 to 4 तो उसमें क्या चीज आएगी, उसमें 2 से स्टार्ट होगा और फिर वो 3 को देखेगा, और जो हमारी रेंज की लास्ट आइटम या एंडिंग पॉइंट होता है तो उसको एक्सक्लूड करके हमें रिजल्ट देगा। यानी हमारे पास रिजल्ट में आएगा 2 और 3 इंडेक्स। हम लोगों के पास फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होता है, और जो लास्ट हमारे पास इंडेक्स होता है जिसको हम एन कह लें, अगर ये लास्ट इंडेक्स है एंडिंग पॉइंट हमारी रेंज का, तो एन माइनस वन तक हमारे पास एलिमेंट्स आउटपुट में आते हैं। मैम, इसका सेम स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट है? जी बिल्कुल, कॉन्सेप्ट सब वही है और रिपीट होंगे बस।
तो हम जब इसको ट्रू टू टू फोर प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास टेबल और 4.3 आ गया. अगर हम इसको 0 टू 4 प्रिंट करवाते तो 0 से लेकर 4.3 तक आया. लेकिन अगर हम फर्स्ट इसको स्टार्टिंग पॉइंट ना दें तो ये कहां से स्टार्ट लेगा? तभी बाय डिफॉल्ट मैम ये बिल्कुल बाय डिफॉल्ट सेटिंग से लेगा. बाय डिफॉल्ट मैम 0 से. 0 से बिल्कुल. और अगर इसको मैं एंडिंग पॉइंट ना दूं तो फिर ये कहां तक जाएगा? उसको भी प्रिंट करवाता है इसने हमें दे दिया. ओके और अब हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग में भी रेंज देख लेते हैं. जैसे हमने नेगेटिव इंडेक्स सिंपल देखा और हम उसमें रेंज भी देख सकते हैं. वही सारे कंसेप्ट से -4 से हमने कहा -2 तक. -4 यहाँ पे क्या है? -1 पे ट्रू है. 5 में स्टार्टिंग पॉइंट उसको मिल गया -4. वो -4 से देखेगा -2 तक. -4 पे 5 है. 5 को ले आएगा और उसके बाद और टेबल को लेके आएगा. टेबल को लेके आएगा और जो एंड पे आ रही है चीज उसको वो स्किप कर देगा. उसके बगैर रिटर्न कर देगा. तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसको रन करें 5 और टेबल जो हमारे पास -4 पे था और जो -3 पे था वो आ गया. अच्छा अगर मैं यहाँ पे लिख दूं -1 अब हमारे -3 की वैल्यू आई है. ये n -1 करके आया मतलब -2 और -1 -3 बनेगा. जी बिल्कुल -3 बनेगा. उससे से भी देख रहे हैं तो वो भी बिल्कुल उसमें इसमें भी इम्प्लीमेंट होता है वो n -1 का रूल. अच्छा यहाँ पे मैंने अभी चेंजिंग किया. मैंने -1 स्टार्टिंग पॉइंट दे दिए और -2 एंडिंग पॉइंट दे दिए. इसका आउटपुट मुझे आप बताएंगे? ट्रू देगा. ट्रू प्रिंट होगा. इसको मुझे एक्सप्लेन करें क्या प्रिंट होगा. मैम स्टार्टिंग पॉइंट या -1 स्टार्टिंग पॉइंट उसने कहा -1. अब इससे वो स्टार्ट लेगा. स्टार्ट उसने हमेशा ऐसे ही लेना है. उसने -1 को देख लिया. अब -2 पे वो जाएगा. कहाँ है -2? इसको मगर मैं प्रिंट कर दिया उसको प्रिंट नहीं करेगा तो एम्प्टी. एम्प्टी क्यों? क्योंकि देखिए ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाह रही थी कि ये अक्सर हम लोग प्रोग्रामिंग में या कोई मुश्किल चीज करने लगे तो हमारा माइंड जाता है सिर्फ कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ. सिंपल चीजें जो हम पढ़ के आते हैं हम लोग उसको भूल जाते हैं. कभी कभी हमारा माइंड ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. नेगेटिव इंडेक्स में अगर आप देखें जैसे वो रेंज होती है नंबर की 0, -1, -2. आप लोग जैसे यहाँ पे ये नहीं ना कह सकते पॉजिटिव इंडेक्सेस में कि हमें 4 से लेकर 2 पे लेके जाओ यानी पीछे से स्टार्ट करो यहाँ तक. तो आप नेगेटिव इंडेक्सेस में ऐसे इसको कहेंगे कि ये इस तरह से -1 से -2 आएगा. उसने इस तरफ मूव करना. जब इस तरफ उसको कोई एंडिंग पॉइंट नहीं मिलेगा तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा. यानी कि यहाँ पे आपने जो भी वैल्यू देनी है वो -2 से पहले आने वाली हो. यानी -2 से पहले क्या आ रहा है? -3 आ रहा है, -4 आ रहा है, तब ये आपको वैल्यू प्रिंट करके देगा. अगर -4 हमने जैसे पहले भी शायद माउंट कोई दिया था तो वो हमारे पास आंसर आ गया. मैम जब स्टार्टिंग पॉइंट इसे -1 दिया था तब इसे ट्रू प्रिंट करवाना चाहिए था. क्यों नहीं उसने प्रिंट करवाया? इसको क्या क्या कमांड्स मिली है? उसको मिल रही है कि स्टार्टिंग पॉइंट -1 है और एंडिंग पॉइंट है -2. अच्छा एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दू. यहाँ पे भी नहीं हो रहा क्योंकि देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि इंटरप्रेटर कैसे मूव करेगा. वो यूं तो नहीं ना मूव करता जैसे हम लोग उर्दू लिखते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. वो ऐसे नहीं मूव करता.
जब उसने लिस्ट को देखना है तो उसने यू मूव करना है, जब वो देखेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट माइनस वन हमें मिल गया, वो उसने देख लिया कि ट्रू है, लेकिन कहाँ पे जाएगा वो, इस पर लेके कहाँ पे जाएगा, क्या एंडिंग पॉइंट उसको यहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा, यहाँ पे माइनस टू माइनस थ्री नहीं है, जब उसने नेगेटिव आपने उसको इंडेक्सिंग देनी है तो बिल्कुल ऐसे ही देनी जैसे आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग में दे रहे हैं, छोटे से लेकर आपने बड़ा बड़े पे जाना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। और असेंडिंग ऑर्डर इसमें क्या होगा, इसमें असेंडिंग ऑर्डर होगा माइनस थ्री टू माइनस वन। मैम मुझे मैम निम्रा की भी एक बात याद आई है यहाँ पर कि जब उन्होंने हमें स्ट्रिंग का बता रही थी तो उन्होंने कहा था कि वो हमेशा स्टार्ट से दिखेगा, मतलब कि अगर माइनस वन अगर हमने कह दिया है लेकिन हमारी जो लिस्ट है वहाँ पर तो जीरो इंडेक्स है वहाँ पर, ठीक है, वो उससे पहले वाले देखा माइनस वन वहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आगे जाएगा ही नहीं। बिल्कुल यही मैं भी बताना चाह रही हूँ कि अगर आपने इसको इंडेक्सिंग देनी है तो आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में देनी है। बिल्कुल लेफ्ट राइट। अच्छा जैसे यहाँ पे मैं हम लोग पढ़ते अभी तक हमारी ये एग्जांपल थी कि टू से फोर, ये आप सबने फौरन बता दिया कि टू और थ्री प्रिंट हो जाएगा, यानी कि टेबल और 4.3 ऐसा हो गया था। फिर मैं आपको पॉजिटिव इंडेक्सिंग में यहाँ पे कह देती कि हमने फोर से टू मूव करना है, तो आप लोगों ने क्या, आपका क्या रिस्पॉन्स होना था, आप लोगों ने फौरन बता देना था कि ऐसा तो हो नहीं सकता, फोर से तो टू की तरफ वो कैसे मूव करेगा अगर उसने इस तरह से जाना है लेफ्ट टू राइट जाना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि टू को तो वो छोड़ के फोर पे आया है, अब वापस नहीं जाएगा।